हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में, और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज आपके लिए हम लेके आए ट्रेन और पैसेंजर्स की एक DI है, कैसलेट DI है, जो 2019 में RRB PO मेन्स में पूछी गई थी। और हो सकता है आपने कई बार इसको यूट्यूब पर देखा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको वो अप्रोच सिखाने वाला हूँ कि इस DI के अंदर सिर्फ 2 या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। ये एक ऐसी DI थी जो बहुत अच्छे नंबर देकर जाने वाली DI थी। अब किस तरह से हमारी ये अप्रोच रहनी चाहिए थी वो आप इस वीडियो में सीखोगे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा पुरानी DI है, बना लोगे, लेकिन अप्रोच मैटर करती है। बनाने को सब बना लेंगे, लेकिन अप्रोच मैटर करती है, और बहुत से लोग नहीं भी बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतनी सिंपल थी, काफ़ी लोग नहीं भी बना पाएंगे। केवल और केवल इसमें अप्रोच मैटर करती है, वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कितना सिंपल तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। और जो भी लोग RRB PO क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर तैयार करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाओ। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप कंटेंट चेक कर सकते हो कि हम कितना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ ही हमें डेली अब मेंस की एक DI तो आपको कराने ही लगे, तो इसके लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और रीजनिंग के भी हम कुछ स्पेशल सेशन लेके आते हैं, जिसमें आपको हम कम समय के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस को करना बताते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी ई-बुक्स और फ्री PDFs मिल जाती हैं, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सारी ही चीज़ों की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो और हमारा जो कंटेंट है वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपकी जो DI थी, ये कैसलेट DI थी। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, दिखने में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन काफ़ी बढ़िया DI थी। हिंदी वाले आप के लिए मैं आज हिंदी का इसमें नहीं लेके आ पाया हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ। अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम स्टेशन A to D। जो एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम स्टेशन A to D, ए से लेके डी तक। यानी कि एक जो ट्रेन है वो ए से चलना शुरू होगी और डी पर जाकर रुकेगी, यानी कि बीच में बी और सी स्टेशन इसको पढ़ेंगे। फिर कहा जा रहा है एट स्टेशन ए। अब स्टेशन ए की आपको बात बताई जा रही है। 80 पैसेंजर्स बोर्ड इन द रेशियो, मैं हिंदी वालों के लिए अभी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। 80 पैसेंजर्स बोर्ड इन द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल 7:9। स्टेशन ए पे ट्रेन में 80 पैसेंजर चढ़ते हैं, उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 7:9 है। एट स्टेशन बी पे सम पैसेंजर्स बोर्ड द ट्रेन, कुछ पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ते हैं, एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स डीबोर्डिंग एट बी। स्टेशन बी पर जो नंबर ऑफ पैसेंजर है जो उतरते हैं आर डबल द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग एट बी। वो डबल है किसका, जो भी पैसेंजर चढ़ते हैं स्टेशन बी पर। यानी कि स्टेशन बी पर चढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या उतरने वाले व्यक्तियों की संख्या से कम है, और उतरने वाले जो व्यक्ति हैं वो दोगुने हैं चढ़ने वाले व्यक्तियों से। इतनी सी बात है। फिर कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल रिमेन्स 4:5 इन बोथ बोर्डिंग एट एंड डीबोर्डिंग एट स्टेशन बी। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो रेशियो है मेल और फीमेल का वो कितना रहता है, वो 4:5 रहता है जब उतरते हैं पैसेंजर्स और चढ़ते हैं तब भी। यानी कि चढ़ने वालों में भी 4:5 है मेल टू फीमेल, और उतरने वालों में भी 4:5 है मेल टू फीमेल। अगला आपसे कहा जा रहा है एट स्टेशन सी। सी स्टेशन पे 10 पैसेंजर्स बोर्ड द ट्रेन, 10 पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ते हैं, एंड 40 पैसेंजर्स डी बोर्ड द ट्रेन, 40 पैसेंजर्स उतरते हैं। ऑल्सो देयर वर 32 पैसेंजर्स इन द ट्रेन वैन इट रीच टू स्टेशन डी। और अंत में 32 पैसेंजर रह जाते हैं स्टेशन डी पर। जब ये ट्रेन जब डी पर पहुंचती है तब ट्रेन में कितने पैसेंजर्स होते हैं, 32 पैसेंजर्स होते हैं। चलिए अब इसको हमें बनाना शुरू करना है। अब इतनी सिंपल है ये कि मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी इतना टाइम लगना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा भी ऐसा होना चाहिए था कि हम इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा बस आपके लिए। हाँ ठीक है, अब ये ठीक है, अब आपको दिख जाएगा। ये ऊपर का कट रहा है, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ, अगर ये ठीक से हो जाए तो। चलिए थोड़ा बहुत कट जाएगा, लेकिन हम पढ़ तो चुके ही हैं कि अ ट्रेन इज अ ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन ए टू डी, ए से लेके डी जा रही है। फिर कहा जा रहा है एट स्टेशन ए। स्टेशन ए पे, लीजिए स्टेशन ए पे क्या हो रहा है, 80 पैसेंजर्स बोर्ड इन द ट्रेन, 80 लोग चढ़े हुए हैं, ठीक है।
फिर मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है, 7:9 है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप इन चीज़ों को लिखिए मत, डायरेक्ट अगर संख्या निकाल सकते हो तो निकाल लो। 7:9 का अर्थ क्या हो गया, टोटल 7 और 9 16 की वैल्यू 80 के बराबर रखोगे तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर आएगी, तो मेल मेरे कितने हो जाएंगे 35 और फीमेल हो जाएगी मेरी 45। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, एट स्टेशन बी, स्टेशन बी पे क्या हो रहा है। स्टेशन बी पे सर ये हो रहा है कि कुछ लोग चढ़े हैं और कुछ लोग उतरे हैं, और उतरने वाले लोगों की जो संख्या है वो चढ़ने वाले लोगों की संख्या से दोगुनी है, ठीक है। और हमें ये पता बता दिया गया है कि 4:5 के अनुपात में मेल और फीमेल उतरते और चढ़ते हैं। अब 4:5 है तो सर एक ऐसी हम नंबर मान लेते हैं चढ़ने उतरने वालों का, जो 4+5 अगर मैं 9 कर लूँ तो मेरा जो ये दोनों ही 4:5 को मैं उनको ईजिली डिवाइड कर सकूँ, तो हम कितना मान ले, मैं मान लेता हूँ कि 9x मेरे 9x जो पैसेंजर्स हैं वो चढ़े हैं और उससे दोगुने उतरे हैं ना, तो 18x पैसेंजर्स उतरे हैं। यानी कि स्टेशन बी पे कितना अंतर आएगा, 80 चढ़ने उतरने वाले कितने हैं -18x, चढ़ने वाले कितने हैं प्लस लगाओगे तो 9x है। इतनी सी बात आपसे की गई, ठीक है, ये आपसे कहा गया। और ये भी तो कहा गया है ना कि 4:5 के हिसाब से ही ये चढ़ते उतरते हैं मेल और फीमेल, तो यानी कि अगर इसमें आप देखोगे तो आपके जो मेल्स हैं और जो फीमेल है, यानी कि एक बात बताओ, मेल मेरे कितने थे 35 थे, जी सर 35 थे, उसके बाद इसमें उतरने वाले मेल्स 4:5 अगर 5 में हैं तो उतरने वाले मेल कितने हो जाएंगे 18 के हिसाब से अगर देखोगे, तो 4 और 5 9, 9 की वैल्यू 18x के बराबर, 1 की वैल्यू 2x के बराबर, उतरने वाले मेल है 4x यानी कि 8x हो जाएगा। अब 4:5 में थे ना, तो और 1:5 की वैल्यू 2 आई तो मेल कितने आ गए 8x, और फिर चढ़ने वाले कितने हैं इसके ठीक आधे हैं तो 4x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर फीमेल इसी हिसाब से 45 और 18x अगर उतरे हैं, 8x उतर चुके तो कितने बचे 10x, चढ़े कितने 5x। यानी कि जब आप इसी चीज को, बस इतनी सी चीज थी जो आपकी अप्रोच काम कर रही थी, बस यहां पे आपका पूरा सवाल खत्म हो गया। अब बताइए स्टेशन बी को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, बताइए स्टेशन बी को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, 80 -9x, और इसमें मेल और फीमेल कितने होंगे, मेल होंगे सर 35 -4x और फीमेल कितनी होगी 45 -5x। बस इतना सा आपका काम था। अब चलिए आगे चलते हैं कि आपसे क्या कहा जा रहा है वो देख लो। एट स्टेशन सी, सी स्टेशन पे आप आ जाओ, एट स्टेशन सी अब क्या बात हो रही है बताइए, कि जितने भी आपके जो पैसेंजर्स थे उनमें से 10 तो चढ़े, यानी कि 80 -9x 10 चढ़े 40 उतरे हैं, यही है। अब इसमें नहीं बताया गया कि कितने मेल चढ़े कितने मेल या फीमेल उतरे, हो सकता है आगे क्वेश्चन में बता देगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। फिर इसने कहा कि 32 पैसेंजर स्टेशन डी पे पहुंचते, यानी कि सी पे जो चेंज हुआ, अब सी में जितने भी पैसेंजर सब बचे रह गए वही तो सब जाके डी पर उतरेंगे, जी सर बिल्कुल, तो डी पर पहुंचते पहुंचते ये कितने हो गए, डी पर पहुंचते पहुंचते सर ये हो गए 32, यानी कि 80 -9x प्लस 10 -40 इज इक्वल टू 32 के बराबर होगा, क्योंकि सी स्टेशन सी से चलने पर यही तो चेंज रहा था ओवरऑल, 80 -9x प्लस 10 -40, और इतने ही तो लोग डी पर पहुंचेंगे, और डी पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या आपको बता दी गई है 32 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको देखिए, यानी कि हमारा 80 -9x और ये जब सॉल्व करोगे तो -30 इज इक्वल टू 32। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 50 -9x इज इक्वल टू 32, एक्स 9x इज इक्वल टू 18, एक्स इज इक्वल टू 2। अब जैसे ही x बराबर 2 आया, आप b और c पर अपने मेल और फीमेल निकाल लो,
तो स्टेशन बी पे कितने हैं टोटल, 80 में से कितना गया है 9x गया है, यानी कि 9 दूनी 18, तो बी पर अब टोटल लोग कितने रह गए 62 रह गए सर। इसमें मेल कितने हैं, मेल तो हैं सर 35 में से जब 4x चले गए यानी कि 8 चले गए तो कितने बचे 27 बचे, और फीमेल मेरी 35 रह गई। स्टेशन सी पे देख लो, स्टेशन सी पे कितने लोग हैं क्या है, टोटल 32 लोग बचे इसमें, और इसमें से हाँ बस 32 ही बचे, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 32 ही आएगा, बस इतनी सी अब आपकी चीज़ें हो गई। सिर्फ इतना सा अप्रोच था आपका, कुछ भी नहीं था, केवल बी लाइन आपको बनानी थी, सारा कुछ कंप्लीट था। अगला अब देखो इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, हाउ मेनी पर्सन्स वर ट्रेवलिंग बिटवीन स्टेशन बी एंड सी, बी और सी के बीच में टोटल कितने पर्सन से ट्रेवल कर रहे हैं। सर बी पर जो चेंज आया वो उसके बाद हमारे जो पैसेंजर्स रह गए वो कितने रह गए 80-9x यानी कि 62, यही तो पैसेंजर रह गए, और यही तो पैसेंजर होंगे जो बी से सी को जा रहे होंगे, क्योंकि बी पर जो चढ़े और फिर उतरे उसके बाद मेरे 62 लोग रह गए, तो यही 62 लोग थे जो बी और सी में जा रहे थे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 62 आंसर हो जाएगा ये आपका, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन हु बोर्डेड इन द ट्रेन, उन पर्सन्स की संख्या बतानी है जो ट्रेन में चढ़े। तो जो ट्रेन में चढ़े, सबसे पहले स्टेशन ए पे कितने चढ़े थे 80 लोग चढ़े थे, स्टेशन बी पे 9x लोग चढ़े थे यानी कि 18 लोग चढ़े थे, स्टेशन सी पे कितने चढ़े थे 10 लोग चढ़े थे, और स्टेशन डी पे तो सर पहुंचे ही हैं, चढ़ा तो कोई है नहीं, तो टोटल कितने लोग आपके चढ़ गए 108, इन्हें जब आप जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा 108 आएगा, बिल्कुल सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, देखो फिर इसी तरह से आप करोगे। अब मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन तो अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो टफ आएगी तो एक ना एक क्वेश्चन आपको लंबा डाला जाएगा, वही एक क्वेश्चन है कि एट स्टेशन सी पे द रेशियो ऑफ फीमेल्स हु बोर्डेड टू मेल हु हैव बोर्डेड इज 2:3। तो स्टेशन सी पे टोटल लोग बोर्डेड यानी कि चढ़े कितने लोग थे 10 लोग चढ़े थे, उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो फीमेल का रेशियो 2 है और मेल का रेशियो 3 है, यानी कि मेल और फीमेल तो कितनी आप 2 और 3 = 5 और 5 = 10, तो 10 यानी कि 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो फीमेल हो जाएगी 4 क्योंकि फीमेल का पहले रेशियो लिखा गया है, और मेल हो गए 6 यानी कि इतने लोग स्टेशन सी पे मेल और फीमेल में चढ़े हैं। फिर आगे देखो एंड रेशियो बिटवीन मेल टू फीमेल हु डिपोर्टेड एट स्टेशन सी, जो स्टेशन सी पर उतरे हैं इज 3:5, उतरे कितने सर 40, और इसमें से जो मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया 3 और 5 का दिया है मेल और फीमेल, तो 3 और 5 = 8 के बराबर, 8 = 40, तो 1 = 5, अब 1 की वैल्यू 5 तो मेल कितने हो जाएंगे 3 × 5 = 15 और फीमेल हो जाएगी 25, यानी कि 4 फीमेल चढ़ी हैं और 25 फीमेल उतरी हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ अ फीमेल हु रीच्ड एट स्टेशन डी, आपको ये बताना है कि स्टेशन डी पर कितनी फीमेल्स पहुंची हैं, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टेशन बी पे मेरी कितनी फीमेल थी, स्टेशन बी पे सर 35 मेरी फीमेल थी, स्टेशन बी पे कितनी फीमेल्स थी टोटल 35, और इसमें से स्टेशन सी पे जब हम बात करते हैं तो चढ़ी 4 हैं, क्योंकि स्टेशन बी से सी पर कितनी फीमेल्स आई हैं 35 आई हैं, इनमें से 4 चढ़ी हैं और 25 उतरी हैं, तो यानी कि टोटल एक इफेक्ट कितना का पड़ा है 35-21 = 14 आपकी जो फीमेल हैं वो स्टेशन आपके डी पर पहुंचेंगी। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ आपको करा के चलता हूँ, ठीक है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अ पर्सन हु रीच्ड एट स्टेशन सी, स्टेशन सी पर टोटल कितने पर्सन्स पहुँचे हैं, स्टेशन सी पर टोटल कितने पर्सन्स पहुँचे हैं बताइए, स्टेशन सी पर टोटल कितने पर्सन्स पहुँचे हैं, जितने भी पर्सन्स ट्रेवल कर रहे होंगे बी से सी के बीच में वही तो सी पर पहुँचेंगे, और बी से सी तक हमारे कितने निकले थे 62 निकले थे, यानी कि पर्सन 62 जो पर्सन्स हैं आपके वो स्टेशन कहाँ पर पहुँचे थे सी पर पहुँचे थे। तो ये आपका टोटल आज का जो क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए, कैसी लगी आपको डी ये बताइए। अप्रोच अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल अप्रोच थी, और मैं इसी तरह से अप्रोच आपको कराता हूँ, चाहे कितनी भी टफ डीआई बना के डाली जाए लेकिन हर डीआई को करने के लिए एक लैंग्वेज आपकी समझ होनी चाहिए, और उस लैंग्वेज को आप कैसे यूज़ कर पा रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। और मेंस की डीआई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,
और साथ ही आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए भी हम हिंदी और कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर दीजिए, और साथ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए, और बस अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।